सो हेलो गाइस, आज का टॉपिक है सर्कल मास्किंग या फेस वेव सर्कल मास्किंग। ये जो राइट साइड में आपको एक मास्क दिख रहा है, मतलब मेरा जो फेस दिख रहा है छोटा सा राइट हैंड साइड में, ये किस तरह से क्रिएट करते हैं प्रीमियम प्रो में, वो आज हम लोग सीखेंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधे चलते हैं प्रीमियम प्रो पे। सो दोस्तों, इस फुटेज को मैं सर्कल मास्क करूंगा। सो सबसे पहले टाइमलाइन पे जाके उस फुटेज को सिलेक्ट करना है, फिर जाना है इफेक्ट कंट्रोल। इफेक्ट कंट्रोल में जाके आपको दिखेगा ओपेसिटी। ओपेसिटी में जाके ये जो सर्कल मास्किंग दिख रहा है उसको आपको क्लिक करना है, तो ये ऑटोमेटिकली मास्किंग हो चुका है। अब आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर आप साइज क्रिएट कर लेना। बहुत ही इजी वे है ये सर्कल मास्किंग की, फटाफट आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये साइज क्रिएट कर लेना। क्योंकि ये सर्कल मास्किंग हो चुका है लेकिन ये बहुत बड़ा लग रहा है आपके जो स्क्रीन रिकॉर्डर है उसके हिसाब से, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये सर्कल मास्किंग छोटा हो जाए और यहाँ पर इसको सेट किया जाए। तो क्या करेंगे, फिर से जाएंगे इफेक्ट कंट्रोल। इफेक्ट कंट्रोल में जाके स्केल में जाके 100 है, इसको हम कम कर लेंगे। सो मेरे ख्याल से ये परफेक्ट साइज हो गया। अब इसको यहाँ पर पोजीशन में लेके आना है, ठीक है। तो ऐसे करने से आप ड्रैग करोगे तो वो जहां पर मास्किंग हो रहा है वो पोजीशन ले लेगा, ऐसा नहीं करना है। सिंपल आपको जाना है इफेक्ट कंट्रोल। इफेक्ट कंट्रोल में ये जो पोजीशन दिख रहा है स्केल के ऊपर, वहां पर इसको ड्रैग करके सबसे पहले आपको राइट में लेके जाना है, या आप लेफ्ट भी लेके जा सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कहाँ पोजीशन में उसे रखना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से पोजीशन उसे रखना है। तो मैं चाहता हूँ कि राइट हैंड साइड ही जाए, तो इसको राइट हैंड साइड में ड्रैग कर रहा हूँ। यहाँ पर देखना वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है। अब इसको नीचे लेके आने के लिए इसके साथ में राइट हैंड साइड में ही जो वैल्यू है उसको भी बढ़ाना है, तो ये नीचे आएगा। तो ये पोजीशन टाइमलाइन के ऊपर आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ और थोड़ा राइट हैंड साइड जाए, तो राइट हैंड साइड को मैं वैल्यू को और बढ़ा देता हूँ। तो ये आ गया परफेक्ट पोजीशन में अकॉर्डिंग टू मी। आपका अलग पोजीशन हो सकता है। अब इसमें हम लोग चाहते हैं एक बॉर्डर देने के लिए, तो बॉर्डर देने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर पेन टूल को क्लिक करके रखना पड़ेगा। फिर यहाँ पर इसके अंदर है सर्कल टूल, एलिप्स जिसे कहते हैं, उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर यहाँ जाएंगे, यहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे। तो देखना टाइमलाइन पे यहाँ पे ऑटोमेटिक एक एडजस्टमेंट लेयर बन चुका है, लेकिन ये मेन वीडियो के ऊपर लेयर में, इसलिए ये दिखाई नहीं दे रहा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मेन जो वीडियो है उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसे ग्राफिक मतलब सर्कल के ऊपर लेके जाना पड़ेगा, ऊपर की लेयर के ऊपर। तो ये देखो आप पीछे चला गया। अब इसे एडजस्ट करना पड़ेगा, मतलब शेप टूल को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर सिलेक्शन टूल लेना पड़ेगा, फिर उसे हम अभी सेट करेंगे। ये हो गया परफेक्ट। तो नीचे से थोड़ा ज्यादा लग रहा है, तो इसे नीचे से कम करेंगे। ये कंप्लीट हो जाने के बाद आपको जाना है इफेक्ट कंट्रोल। इफेक्ट कंट्रोल के अंदर मिलेगा शेप। शेप को तो पूरा दिख नहीं रहा है, तो ये एरो को क्लिक करना है। यहां पर है फिल। फिल के कलर को आपको चेंज करना है, जस्ट यहां पर फिल के जो बॉक्स बना हुआ है उस पर क्लिक करना है। यहां पर आपका कलर पिकर का जो बॉक्स है वो खुल जाता है,
तो यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग के हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके पसंद के हिसाब से आप कलर चूज कर लो। तो मैं चूज करता हूँ येलो। चूज कर लिया, अब ओके। तो यहाँ पर बन गया इसका एक बॉर्डर। सो आई होप आपको समझ में आ गया कि किस तरह से सर्कल मास्किंग क्रिएट करना है प्रीमियम प्रो में। बहुत ही इजी वे है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आप इस वीडियो से कुछ सीख पाए तो प्लीज प्लीज लाइक एंड शेयर एंड कमेंट जरूर कर देना, और ज्यादा अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना जो वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट रखता हो। और मेरे इस चैनल पे नए आए तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बिल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो ये वाला वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।